आर टॉकिंग अबाउट द लव टूडे राइट, कि लव जैसे एक माँ बाप का प्यार होता है और एक दुनिया का प्यार होता है. बट नाउ डेज द स्टूडेंट दे डोंट अंडरस्टैंड चिल्ड्रन दे डोंट अंडरस्टैंड द पेरेंट्स ऑफ द लव ऑफ पेरेंट्स. जो माँ बाप का प्यार है उसको बच्चे ठीक से समझते नहीं हैं राइट. तो मैंने देखिए दो फुल फॉर्म बनाई, जैसे कि ये है कि लव ऑफ पेरेंट्स, जो माँ बाप का प्यार है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, LOVE राइट. तो जैसे ये है L से है लेटर ऑफ सक्सेस राइट. जो माँ बाप का प्यार है वो एक प्रकार से क्या है, लेटर ऑफ सक्सेस. लेटर कहते हैं सीढ़ी और सक्सेस कहते हैं सफलता की. जो माँ बाप का प्यार है वो बच्चों के लिए सीढ़ी की तरह है राइट. चिल्ड्रन दे कैन गेट द टॉप पोजिशन इफ दे हैव द लव ऑफ पेरेंट्स राइट. दूसरा है अगर O से देखें तो ओशन ऑफ रिसोर्सेज. जो माँ बाप का प्यार है तो आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जैसे कि ओशन राइट. मैनी रिसोर्सेज यू हैव बिकॉज पेरेंट्स कैन हेल्प यू ऑल काइंड्स ऑफ एंड इन एनी कंडीशन एंड देयर लव इज़ कम्प्लीटली अनकंडीशनली. दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंडीशन राइट. तो ये एक फुल फॉर्म है कि ओशन ऑफ रिसोर्सेज राइट. अगला है V से कि वैली ऑफ अपॉर्चुनिटीज राइट. जो माँ बाप का प्यार है उसमें आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यू डोंट नो राइट. यू हैव सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ बट मोस्टली चिल्ड्रन दे डोंट अंडरस्टैंड द पेरेंट द लव ऑफ पेरेंट्स. ऐसे ही है E से है एंड ऑफ प्रॉब्लम्स. अगर माँ बाप के प्यार में हैं तो फिर आपके पास जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी का अंत हो जाएगा ओके. तो ये हमें याद रखनी चाहिए, LOVE लेटर ऑफ सक्सेस, ओशन ऑफ रिसोर्सेज एंड वैली ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड एंड ऑफ प्रॉब्लम. और दूसरी तरफ है द लव ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का प्यार राइट. दो अदर पीपल दे कीप टॉकिंग वेरी पोलाइटली, वो बहुत प्यार से तो बात करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम दे कैन से टू यू कि यस आई लव यू, बट पेरेंट्स नेवर से कि आई लव यू, बट स्टिल दे लव डीपली, दे लव मोर बिकॉज दे लव अनकंडीशनली. तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, LOVE. तो L से है लेक ऑफ सरोज. लेक कहते हैं झील और सरोज कहते हैं दुखों की. जो दूसरों का प्यार है वो एक प्रकार से दुखों की झील है राइट. इन द स्टार्टिंग यू कैन अंडरस्टैंड कि यस इट इज़ गुड, बट एट लास्ट यू कैन फाइंड इट इज़ फुल ऑफ सॉरोज राइट. ये पूरी तरीके से दुखों से भरा हुआ होता है. और उसे होता है ओशन ऑफ टीयर्स. जो दूसरों का प्यार है, इन द स्टार्टिंग यू कैन फील समथिंग गुड, बट एट लास्ट यू कैन फील ओशन ऑफ टीयर्स. आपकी ज़िंदगी में जितने समंदर जितने आंसू ला के भर देगा, यानी आपकी ज़िंदगी केवल दुखों से भरी हुई होगी, आंसुओं से भरी हुई होगी. और V से है वैली ऑफ डेथ राइट. यानी जो दुसंसार का प्यार है वो आपको कहाँ ले जाएगा, मृत्यु की खाई की ओर ले जाएगा राइट. मोस्टली पीपल यू कैन सी द एग्जाम्पल्स इन द वर्ल्ड, इन द स्टार्टिंग दे हैव गॉन एंड आफ्टर सम टाइम दे हैव गॉन टू द वैली ऑफ डेथ, और मौत की खाई की तरफ चले गए. और E से क्या होगा, एंड ऑफ लाइफ राइट. जिंदगी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी. दैट्स वाई अंडरस्टैंड द लव ऑफ पेरेंट्स. जो माँ बाप का प्यार है उसको समझिए, अंडरस्टैंड. दे नेवर स्पीक टू यू एनीथिंग, बट स्टिल दे लव अनकंडीशनली. Their love is mute, right? They don't have words in their love. उनके शब्दों में प्यार भले मतलब बोलते भले ही ना हो शब्दों में, but they love you unlimited. So understand the love of your parents. Not believe in the love of the world, because in the starting you can understand कि yes, the world is giving you love. They talk politely. They can say in each point, but parents keep scolding you. Keep advising you, and that's why you don't think ki their love is genuine, but their love is genuine. Believe in that, not in the outer world, right? Remember this thing. Okay.